हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फो गवर्नमेंट जॉब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ऊपर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, एएलपी एंड टेक्नीशियन के मेडिकल का पार्ट सेकंड लेकर मैं आया हूँ दोस्तों। तो इसके अंदर आपका जो भी बेसिक पार्ट था, जो विजन सर्टिफिकेट से जो आई आँखों से संबंधित था, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं आई बटन के अंदर भी डाल दूंगा, और दोस्तों अंत के वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो अब जो आपका जो बेसिक होता है, फिजिकली नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं, उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वो क्या क्या आपको होने वाले हैं दोस्तों, शुगर है, बीपी है, ईसीजी है, एक्सरे है, पाइल्स है, हाइड्रोशील है, यूरिन है, ब्लड टेस्ट है, इन सब का दोस्तों मैं जिक्र इस वीडियो में करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आगे की पल पल की अपडेट आपके इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों। तो आपका शुगर जाँच दोस्तों होगा नॉर्मल, और आपका एक्सरे होगा। तो पूरी डिटेल्स कैसे क्या होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो आपको अगर आंखों से संबंधित वीडियो देखना है तो मेरा पहला वीडियो देख लें, इससे पहले मैंने वीडियो डाला है वो। ये दोस्तों ऐसा आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आपका मेडिकल का पार्ट फर्स्ट के नाम से मैंने बनाया था, विजन टेस्ट है वो, टोटली इसके अंदर आपको बताए थे। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आपकी जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ये, बाकी आपका जो पहले आता है दोस्तों शुगर टेस्ट। तो दोस्तों इन टेस्टों में वैसे किसी को बाहर नहीं किया जाता है, पर नॉर्मली आपको ये टेस्ट चेक करवा लेने चाहिए, जो नॉर्मल इंसान में होते हैं वही आपको करवाने हैं। तो शुगर टेस्ट है वो दोस्तों, आपका मेल्स के अंदर 80 से 120 तक आपका शुगर होता है, वो नॉर्मल माना जाता है दोस्तों। तो आप दोस्तों शुगर टेस्ट करवाने से पहले खाली पेट जाएं, क्योंकि खाली पेट ही आपका जो रेशियो है ये आएगा। वरना अगर आपकी शुगर 100 है तो भी आप अगर पेट खाना खा के चेक करवाते हो तो आपकी शुगर वो 120 से ऊपर आएगी, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो खाली पेट लेके जाएं इसमें शुगर टेस्ट में, आपका जो शुगर टेस्ट है वो नॉर्मल होगा। इसके अंदर आपको किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा दोस्तों, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं। अगर किसी के ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो शायद उन्हें बाहर भी कर दिया जाए। तो दोस्तों बाद में होगा आपका एक्सरे टेस्ट। तो एक्सरे टेस्ट में दोस्तों आपको दीवार की तरफ मुंह करके पीछे से आपका एक्सरे लिया जाएगा, तो आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। उसके अंदर आपकी चेस्ट की थोड़ी जाँच की जाएगी, बाकी नॉर्मल टेस्ट है, इसमें भी किसी को बाहर नहीं करते हैं, अगर बेसिक प्रॉब्लम ज़्यादा नॉर्मल सीरियस प्रॉब्लम ना हो तो दोस्तों। ये आपका एक्सरे टेस्ट होगा। तो एक्सरे टेस्ट के बाद में होगा आपका दोस्तों बीपी का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर से दोस्तों आपको कि आपका ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल है वो टेस्ट होगा दोस्तों। इसके अंदर भी किसी को बाहर नहीं करते हैं। इन टेस्टों में दोस्तों ज़्यादातर 99% चांसेस किसी के बाहर नहीं होते हैं, बाकी जो 1-2% होता है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम होती है वही बाहर होता है। ज़्यादातर विजन सर्टिफिकेट विजन के अंदर दोस्तों बाहर होते हैं आपके, रेलवे के अंदर, आँखों के अंदर। तो बीपी का टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका बीपी के टेस्ट के बाद में होगा दोस्तों आपका यूरिन का सैंपल। यूरिन के अंदर आपको एक कागज़ का दिया जाएगा, जिसे आपको बोलेगा कि भिगो के लेके आना है इसको, तो उसे आप भिगो कर लेके जाओगे तो वो आपका टेस्ट करेगा। उससे आपका जो भी रोग है वो दोस्तों उनको पता लग जाएगा। तो ये आपका यूरिन टेस्ट होगा, ये भी दोस्तों नॉर्मली होगा। अगर आप ज़्यादातर जिस दिन भी आपका मेडिकल हो, नॉर्मल तौर पर सामान्य से ज़्यादा पानी पीते रहें दोस्तों, पानी ज़्यादा पिए, तो आपका यूरिन टेस्ट है वो नॉर्मल आएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका है ईसीजी। ईसीजी मशीन दोस्तों इतने आपके नहीं लगाए जाएंगे, कुछ 1-2-3 लगाए जाएंगे आपके ये, और आपको ऐसे लटा दिया जाएगा। तो उसके बाद में आपकी ईसीजी टेस्ट की जाएगी, मतलब कि आपका हार्ट है वो सही काम करता है या नहीं करता है। ये दोस्तों आपका नॉर्मल टेस्ट है, एक सामान्य इंसान के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर कोई ज़्यादा ही सीरियस है उसको दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कमेंटों के अंदर, कि हाइड्रोसील का टेस्ट कैसे होता है। तो दोस्तों हाइड्रोसील एक ऐसी होती है कि हमारे नीचे, तो दोस्तों हाइड्रोसील की बीमारी भी ज़्यादातर नहीं मिलती है, काफ़ी सामान्य कैंडिडेटों में, पर दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं जिनके दोस्तों जन्मजात से होती है। तो आपके नीचे जो गुप्तांग है उनके अंदर दोस्तों पानी सब भर जाता है, नीचे नीचे पानी सब भर जाता है। तो डॉक्टर आपको कपड़े निकलवा के नीचे के बाद में आपको चेक करेगा कि नीचे पानी तो नहीं भरा हुआ है। अगर दोस्तों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसील के अंदर, तो दोस्तों आपको टाइम दिया जाएगा रेलवे के अंदर, 2 या 3 महीने या फिर 1 माह है, उसके अंदर आप इसका ऑपरेशन करवा कर ठीक करवा सकते हो। अभी भी दोस्तों अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है हाइड्रोसिल की दोस्तों, तो अगर आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए,
तो आप दोस्तों इसका ऑपरेशन है वो करवा सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको बाहर कर देंगे अगर वो वहाँ पर पता लगता है दोस्तों, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बाहर तो कोई नहीं करेगा इसके अंदर, पर टाइम ज़्यादा आपका लग जाएगा हाइड्रोसिल के अंदर। ये दोस्तों सामान्य बीमारी है, हो जाता है कोई नॉर्मल कंडीशन में, ये नहीं कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। इसका ऑपरेशन से भी सही हो जाती है, और अगर नॉर्मल रहता है तो ये बिना ऑपरेशन भी आपका टेबलेट से भी सही हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है जो काफ़ी कमेंटों के अंदर आते हैं दोस्तों। और ये जो टेस्ट आपके हाइड्रोसिल और पाइल्स के, तो इसके लिए दोस्तों मेरी गाइड्स है कि नीचे आप सफाई करके लेके जाएं वहाँ पर, वरना आपका मजाक बन सकता है दोस्तों वहाँ पर। तो ये ज़रूर आप अपना कार्य पूर्ण रूप से करके जाएं। तो ये दोस्तों होता है आपका आगे का पाइल्स का, जो पाइल्स होता है दोस्तों जिसे हम बवासीर बोलते हैं। तो बवासीर का प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो आपका टेस्ट होगा ये। इसमें दोस्तों जिसके प्रॉब्लम है उसी को दोस्तों बाहर नहीं किया जाएगा, उसको भी बाहर नहीं किया जाएगा किसी को भी। आपको इसके अंदर भी दोस्तों टाइम दिया जाएगा, 1 माह या 2 माह, कितना भी संभव होगा रेलवे वो आपको देगा। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों होगा कि आप ऐसे खड़े हो तो इसके पीछे डॉक्टर आके आपको नीचे झुकाएंगे, नीचे झुका के बाद में आपको खांसने के लिए बोला जाएगा। तो बाद में आपका पार्ट, पीछे का जो पार्ट है वो डॉक्टर देखेगा कि कहीं इसके पाइल्स तो नहीं है दोस्तों। तो ये नॉर्मली काफ़ी जोन में चेक भी नहीं होता है, और काफ़ी जोन में चेक कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों पाइल्स और आपका जो हाइड्रोसिल है, इनके अलावा दोस्तों कोई प्रॉब्लम है ये, अगर ईसीजी और आपका ईसीजी में कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, शायद आपको बाहर कर दिया जाए। पर दोस्तों हाइड्रोसिल और पाइल्स के अंदर आपको टाइम दिया जाएगा, 1 महीना या 2 महीना, जितना भी दोस्तों रेलवे संभव होगा देगा। उसमें आपको अपना इलाज करा के वापस जाना होगा दोस्तों। ये टेस्ट आपके नॉर्मल होने वाले हैं, ये मैंने बता दिए। ब्लड का टेस्ट, ब्लड से दोस्तों आपका शुगर का पता लगेगा, और आपका यही टेस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ये कमेंट आते हैं कि मेरे दांत टूट गया है, एक दांत टूट गया है, फिर मेरे दांतों की संख्या वो 30 है। तो दोस्तों ये दांतों दूतों का कुछ नॉर्मल चेक होते हैं, तो नॉर्मल होता है, कुछ भी ज़्यादा उसमें अंदर किसी को भी बाहर नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये दांतों का चेक, आपका जो हाथ की अंगुली कट गई है, ये डिजीज़, ये दोस्तों नॉर्मल में आपके, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जो प्रॉब्लम वाले थे वो आपको बता दिए, ये आप चेकअप ज़रूर करवा लें अगर किसी की प्रॉब्लम है ये आपके। इनका इलाज तो दोस्तों संभव होगा, पर हाइड्रोसिल और आपका जो पाइल्स का कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपके पास अगर टाइम है 20 दिन का आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में, तो दोस्तों आप ठीक करवा लें उसे, 20 दिन में हो जाएगा नॉर्मल आपका। और दोस्तों अगर आपके मेडिकल में, मैं तो यही सुझाव दूंगा, आप अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके जाएं दोस्तों, बिल्कुल माइंड से फ्रेश होके जाएंगे, तो आपका नॉर्मल टेस्ट है, आपके बीपी, ईसीजी, ईसीजी वगैरह ही आपके सब नॉर्मल आएंगे दोस्तों। ईसीजी करवाते टाइम आपको सीरियस नहीं होना है किसी भी मैटर में कि हमें बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप सीरियस दिमाग में टेंशन लेके बैठोगे तो आपको शायद वहाँ पर आपका ईसीजी गलत बता दे, आपकी हार्ट बीट है वो ज़्यादा बता दे या फिर कम बता दे। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्मल रहना है ईसीजी करवाते वक्त। और आपको कोई ऐसा लम्हा याद करना है जिसे आप सबसे ज़्यादा इंजॉय किए हो, कोई भी लम्हा हो वो आपको उस टाइम में याद करना, जिसे आपका हार्ट है वो नॉर्मल में रहेगा, तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और आपका चेस्ट का जो होगा वो दोस्तों नॉर्मल है, उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नया नहीं होगा दोस्तों आपका। और जो भी दोस्तों ये काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मेरा हाथ टूट गया था, हाथ की हड्डी टूट गई थी, तो वहाँ पर प्लास्टर हुआ था दोस्तों, ऑपरेशन हुआ था, ये दोस्तों नॉर्मल है। अगर आप फिलहाल सही हो, आपको फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेलवे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लेने के अंदर। तो दोस्तों इस ये सब बातें घबरा कर छोड़कर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अच्छे तरीके से करवाएं। आपका जो नॉर्मल अगर प्रॉब्लम होगा तो रेलवे खुद ही आपको ले लेगा। और दोस्तों अगर ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है तो शायद आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम के अलावा और भी ज़्यादा सीरियस हुआ तो शायद आपको बाहर कर दिया जाए दोस्तों। हाँ, आपकी आँखें हैं जो मेन है वो, तो आँखें हैं वो उसके अंदर जरूर दोस्तों बाहर कर सकते हैं आपको। अगर जैसे लोग को पहले के अंदर 6x6 मांगे हैं, तो वहाँ पर आपको 6x6 नहीं है, तो वहाँ पर आपको टाइम देने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि लोग को पायलट के अंदर कोई भी सर्जरी भी मान्य नहीं है आपकी, और किसी भी प्रकार का कुछ भी मान्य नहीं है, तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि लोको पायलट की वेटिंग सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट में भी कुछ लड़के बाहर हो जाते हैं, दोस्तों मेडिकल वैसे ही क्लियर हो जाती है। ये दोस्तों नॉर्मली मेडिकल के बारे में बता दिया मैंने, आपका टोटल यही होने वाला है मेडिकल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा आपका। और दोस्तों मेडिकल के रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट का, वो ज़रूर आप देख लें दोस्तों। विजन से संबंधित कोई भी आपको इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं उसके, और ये लिंक आपको मैं दे दूंगा वीडियो के अंत में,
तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.